हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो के डैशबोर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी गूगल क्रोम में YT स्टूडियो के डैशबोर्ड को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है, या तो यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर भेज देता है हमें, या फिर YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन होती है वहाँ हमें भेज देता है, वो क्रोम ब्राउजर में नहीं खुल पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है और फिर उन्हें इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आता कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको पूरा 100% सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे हमें टाइप करना है www.youtube.com, एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये डेस्कटॉप मोड आपके फ़ोन के अंदर खुल जाएगा। उसके बाद जूम करना है और यहाँ राइट कॉर्नर में आना है, अपने चैनल के आइकन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद YouTube स्टूडियो के अंदर जाना है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है कि हमें YouTube स्टूडियो की एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर देता है, वहाँ भेज देता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बैक कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है, टैब को क्लिक करके बंद कर देना है, न्यू टैब लेना है और यहाँ पर आपको पहले ही 3 डॉट्स पर ऊपर राइट में क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है www.youtube.com, गो कर देना है। तो ये डेस्कटॉप मोड में आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको जूम करना है और इसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है अपने चैनल के, और यहाँ से आपको YouTube स्टूडियो वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके रखना है आपको। और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो यहाँ पे आप इसको ओपन इन न्यू टैब में जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो गए टैब, इनके ऊपर क्लिक करेंगे दूसरे वाले टैब के अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से खुलेगा। ये यहाँ पे आ रहा है गेट द ऐप, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन पे भेज देगा। हमें तो इसी में खोलना है तो हम यहाँ नीचे कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड खुल गया है यूट्यूब स्टूडियो का। तो ये सबसे आसान तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस तरीके से आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपने YT स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आप अब अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में भी YT स्टूडियो को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।